हेलो ऑल, वेलकम टू सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें। मैं यहाँ कोटा में हूँ, कोटा राजस्थान में है और राजस्थान दिवस है 30 मार्च, यानी 30 मार्च को। आइए हम सेलिब्रेट करते हैं राजस्थान दिवस को। क्यों ना हम इसकी पूरी एक सीरीज तैयार करें। फर्स्ट सीरीज में आज हम बना रहे हैं आपनों राजस्थान। उसके लिए मैंने यहाँ पर बड़ा सर्कल कट करना है, तो बड़े सर्कल को कट करने के लिए पहले मैं न्यूज़पेपर को ज्वाइंट कर रही हूँ। मैंने यहाँ 4 पूरे साइज़ के न्यूज़पेपर ज्वाइंट कर लिए हैं और उनको फोल्ड कर लिया है। अब हम आगे वीडियो को पूरा देखेंगे, प्रोसेस को पूरा समझेंगे, तो हमें सब समझ में आ जाएगा। पहले न्यूज़पेपर को हाफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद उसको 1/4 फोल्ड कर देंगे। 1/4 फोल्ड करने से जो हमारा सेंटर है उस पॉइंट को हम पकड़ के रखेंगे और 1 फोल्ड और करेंगे, क्योंकि हम यदि एक ही साइड से पूरा फोल्ड कर देते हैं तो जो फोल्ड हैं एक के ऊपर एक काफ़ी सारी लेयर्स होने के कारण छोटे बड़े हो जाते हैं, तो वो छोटे बड़े नहीं हों उसके लिए हम उन्हें हाफ एक साइड से और हाफ दूसरी साइड से फोल्ड करते हैं। प्रोसेस में आप देखते जाइए, सेंटर को सेंटर ही रखा है और उसको बराबर ध्यान में रखते हुए सीधा फोल्ड करते जाएंगे। 8 टाइम पूरा फोल्ड होने के बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद ये चेक कर लेंगे कि अंदर का जो पार्ट है, वो छोटा जो पार्ट है, वो कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके बाहर निशान लगा लें। हम जो सबसे नीचे का पार्ट अंदर है, सबसे जिसकी लेंथ सबसे कम है, उस पार्ट को फॉलो करेंगे। उसके हिसाब से हम पूरे फोल्ड करते हुए निशान लगाते जाएंगे। पूरी मार्किंग कर लेने के बाद उस मार्किंग पर हम सीजर से कट कर लेंगे। कट करने के बाद जब ओपन करेंगे तो पाएंगे कि हमारा सर्कल कट चुका है। अब इस सर्कल को हमें जहां पर भी ड्रॉ करना है उस सरफेस पे रखेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद स्टेंसिल से डिजाइन कर रही हूँ। आगे का प्रोसेस देखने के लिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें। मुझे सर्कल बनाना है तो सर्कल के लिए मैंने केक बेस का यूज़ किया है और उसके आसपास मैंने ब्रश से लाइन डाल दी है और मेरा सर्कल बन गया है। बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल और उसके अंदर और छोटा सर्कल या उससे बड़ा सर्कल किसी ना किसी सपोर्ट से हम बना सकते हैं। यहाँ पर मैं राजस्थान की पहचान फोर्ट ब्रश से बना रही हूँ। आप चाहें तो पेंसिल से पहले ड्रॉ कर सकते हैं, मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, मैंने ड्रॉ नहीं किया है। ये जो हमने स्टेंसिल से मंडाला पेंट किया है, इस मंडाला को
हम आउटलाइन करेंगे ब्लैक मार्कर से। और अब बारी आती है आपनो राजस्थान लिखने की। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजे के लिए चौक से लिख लिया है, उसके ऊपर मैं ब्रश चला रही हूँ। आपनों राजस्थान लिखने के बाद वाइट से हाईलाइट करेंगे और ऑरेंज कलर से शेडो देंगे और उसके बाद उसे जहां हमें लगाना है सेंटर में उसे पेस्ट कर देंगे। मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। लाइक तो अब तक कर ही दिया होगा और अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लगा आपनों राजस्थान।